नमस्कार दोस्तों, फोन में टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारे पास वन प्लस 10 प्रो, जो कि डेढ़ आया हुआ है हमारे पास। तो मैं आपको चार्जर लगा के भी चेक करवा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ चार्जर की कंजप्शन है 0.8। ये नीचे हमारा जो कंजप्शन हो रहा है 0.8 का हो रहा है। ये वाली हमारी जो केबल लगी हुई है, देख सकते हैं 0.8 हमारा ले रहा है और सेट हमारा डेढ़ है। देख सकते हैं आप, सेट हमारा डेढ़ है। तो चलिए रिपेयर करते हैं इसको और चेक करते हैं हमारी प्रॉब्लम कहाँ से है। मदरबोर्ड मैंने ओपन कर लिया है, ऑलरेडी किसी भाई ने शायद हीट करके ट्राई किया होगा। चलिए डीसी मशीन पे इसकी बार पल्स चेक कर लेते हैं, क्या हमारी पल्स आ रही है। फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो 00 बूटिंग है, और ऑन करके देखते हैं, देख सकते हैं 142 पे हमारी रीडिंग स्टक हो चुकी है। तो फ्रेंड्स हमें इसका जो सीपीयू है वो रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं इसका सीपीयू और रिवॉल्व करके चेक करते हैं। सबसे पहले हमें इसकी जो शील्डिंग है उसे रिमूव करना है। ये शील्ड हम रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी काम करते समय आपका कोई भी कंपोनेंट्स XYZ रिमूव नहीं होना चाहिए, भले वो कैपेसिटर हो, चाहे वो रेजिस्टर हो, या कोई भी कंपोनेंट्स हो हमारा। यहाँ पे हमारा कंपोनेंट्स बहुत मैटर करता है। तो जितना आप सेफली काम करेंगे उतना आपका काम में सक्सेस होने का चांस ज्यादा रहेगा। तो फ्रेंड्स सील्ड हमारी रिमूव हो चुकी है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप हमारा UFS CPU और RAM इजीली हम इसको रिमूव कर चुके हैं। अब इसको हम इसका मेल्टिंग कराते हैं और हमारा जो सोल्डर है और हमारा ब्लैक टेस्टेड से हम क्लीन करते हैं और दोबारा से इनको रीफिक्स करेंगे और चेक करेंगे जो हमारी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होती है या फिर इसके बाद भी हमें अदर डिपार्टमेंट में काम करना पड़ेगा या कोई अदर चीजें हमें चेक करना पड़ेंगी, इसके बारे में हम बाद में चेक करेंगे। सबसे पहले हमारा जो प्रॉब्लम था उसे हम CPU और RAM रिवॉल्व करके चेक करते हैं, वो फिक्स नहीं होता है। तो उसके बाद हम जो हमारी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है उनको हम बाद में चेक करेंगे। नेक्स्ट में आपको कोई कंजूसी नहीं करना है, मेल्ट करा के जितना भी ब्लैक पेस्ट है सारा का सारा आपको क्लीन कर लेना है, क्योंकि जितना आप अच्छे से सफाई करेंगे, मदरबोर्ड की क्लीनिंग अच्छे से करेंगे, उतना ही आपकी रेशियो बढ़ जाएगा सक्सेस होने का। तो पहले तो आपको 183 की जो पीपीडी होती है, 183 की पीपीडी से आपको इसको मेल्ट करा लेनी है। तो पहले क्लीन कर लेना है जितना भी हमारा एक्स्ट्रा ब्लैक पेस्ट है, वो यहाँ से हमारा रिमूव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं सीपीयू की साइड से हमारा 90% काम सक्सेसफुल हो चुका है। जितना भी 90% ग्लू था वो हमारा रिमूव हो चुका है। बाकी का ब्लैक पेस्ट क्लीन करते हैं और UFS साइड का भी क्लीन करते हैं। पेस्ट हमने इंजेक्ट कर लिया है, तो गोडविक वाइप को थोड़ा सा फोल्ड करने के बाद हम डिसोल्डिंग स्टार्ट करते हैं और डिसोल्डिंग हमारी एकदम फ्लैट होना चाहिए बराबर। ये वाला एरिया डिसोल्ड कर लेंगे। डिसोल्डिंग का सब आपको ध्यान रखना है, कोई भी कंपोनेंट हमारा डिसोल्डर वायर से टच होकर रिमूव ना हो। अगर ये रिमूव हो गया तो आपको कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि आपके सेट में कोई भी प्रॉब्लम बन सकती है। चलिए अब बैक साइड क्लीन करते हैं, रैम वाला पोर्शन क्लीन हो चुका है, सीपीयू साइड का एरिया क्लीन करते हैं। सबसे पहले आपको इसको मेल्ट करा लेना है पूरे को, जितना पे हमारा सीपीयू के वॉल है सबको 183 की पीपीडी से मेल्ट करा लेनी है। देख सकते हैं हमारा जो ब्लैक पेस्टेड है वो 95% तक क्लीन हो चुका है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको डिसोल्ड कर देंगे प्रॉपरली और हमारा सीपीयू रिवॉल्विंग के लिए रेडी हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ICMI रिवॉल्व हो चुकी है और अब हमें वन बाय वन इनको इंस्टॉल करेंगे और चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने इसका CPU, RAM और UFS को इंस्टॉल कर दिया है। अब चेक करते हैं कि हमारा फोन कम्प्लीटली ऑन होता है या फिर नहीं। तो मदरबोर्ड भी हमारा ठंडा हो चुका है, चलिए फ्रेम में फिट करते हैं। चलिए बैटरी हमारी डिस्चार्ज है, चार्जिंग लगाते हैं और चेक करते हैं। देख सकते हैं डिस्प्ले पर हमारा चार्जिंग लोगो आ चुका है और ये सेट कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। थैंक यू।